ये देखो मोटू बैठ गया नीचे जमीन पे। तो अभी यहाँ पे मेरा बेसन का चीला बन के हो चुका है रेडी। तो ये देखो गाइस, ये है एवरेस्ट का जलजीरा पाउडर। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? आपका था बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। पापा नहा धो के हो चुके हैं रेडी। अभी कल का दिन हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करा। आज पापा फिर से जा रहे हैं ऑफिस। मन नहीं लग रहा, ना जाया करो ना, छुट्टी कर लो। छुट्टी करके घर बैठ जाओ ना सारा दिन। जी नहीं लगता छुट्टी दिया जो, जी नहीं लगता। तो अभी पापा जा रहे हैं ऑफिस, तुसी ना जाओ। नहीं जाओ ना प्लीज, क्यों नहीं जाओ? ना जाओ, घर बैठे बैठे रोटी मिल जाएगी तेरे को। तो अभी पापा मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। पापा जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट तो करके जाएंगे, है ना? ब्रेकफास्ट में आज क्या खाओगे? भरता। भरता भरता खाएंगे आज पापा ब्रेकफास्ट में। हमने खाया नहीं, परसों का बना हुआ, तो वही खाना पड़ेगा। वेस्ट थोड़ा करना है ना। आज शाम को बनेगी नई सब्जी। चलो ठीक है, आके दिखाते हैं आपको हम अपना ब्रेकफास्ट और क्या पीने को मिलता है वो दिखाते हैं। पीने का तो वही मिल सकता है, वो क्या मिलता है भूल गया। तो अभी आपको दिखा देंगे क्या मिलेगा पीने में। तो ये देखो गाइस, अभी पापा कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। बैगन का भरता विद परांठा विद ये बादाम वाला दूध। ये तो मुझे भी बहुत तेज से टमी में अभी भूख लग गई है, तो मैं भी करके आता हूँ पेस, उसके बाद मैं भी खाऊंगा। ये मुंह में पानी आ रहा बहुत तेज का। तो अभी मैंने ब्रश कर लिया है और मेरे सामने देखो बैगन का भरता विद परांठा है रेडी। अभी मैं फटाफट खा लेता हूँ। ये देखो गाइस, अभी पापा अपना चार्जर भूल चुके हैं, रोज ही भूल रहे हैं। अब तो पापा पता नहीं क्या हो गया, पापा को भूल ही जा रहे हैं अपना चार्जर। और अब मैंने पापा को जब फोन किया ना, पापा बोल रहे हैं मैं तिलक नगर पहुंच गया हूँ, तो बेचारे पापा का चार्जर रह गया आज। फिर आज पापा बहुत ज्यादा फोन नहीं यूज कर पाएंगे। तो गाइस, अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, और मैंने अभी पटका नहीं बांधा क्योंकि अभी मैंने सोना है। और अभी मेरा लंच भी आ चुका है, मेरी दिमाग से बनी है मिस्सी रोटी। तो अभी मैं फटाफट खा लेता हूँ लंच। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 1:30 और मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी अब, और जप्पू तो लंच भी कर चुका है 1:30 पे। जप्पू लंच भी कर चुका है, मतलब इसने सुबह ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट में मैंने इसको बैंगन का भरता दिया। तो ये बैंगन के भरते में करता क्या है, मटर और टमाटोज को अलग अलग कर देता है, और जो प्याज वगैरह होते हैं वो खा लेता। मतलब ऐसे जलूस निकाल के बैंगन के भरते का पूरा अच्छे से वैसे खाता, और खाता भी एक ही परांठा है बैंगन के भरते के साथ। तो इसने जो ब्रेकफास्ट है वो ढंग से करा नहीं था, तो इसको जल्दी भूख लगी, इसने लंच भी कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने अपनी फेवरेट मिस्सी रोटी खाई है, और मैंने ना तो ब्रेकफास्ट किया है ना ही लंच किया है। तो जैसे कि गाइस, कल वेडनेसडे था, तो जिस दिन वेडनेसडे होता है उस दिन हम इतना घूमते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, अगला दिन ऐसे लगता है इतना लेजी सा, बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। और ये देखो मैंने रेड धागा भी पहना है, मुझे सर्वाइकल है, मुझे सर्वाइकल की बहुत पेन होती है। मतलब पिल्लो रखो तो गर्दन दर्द, ना रखो तो सिर दर्द, मतलब समझ ही नहीं आती क्या करूँ। सही में ना सर्वाइकल की बहुत ज्यादा पेन होती है मुझे। तो मैं पापा के वहां पे गई थी, तो पापा के जहाँ पे पापा रिसेंटली रह रहे हैं वहां पे सामने ही एक अंकल थे, वो सर्वाइकल का धागा देते थे, तो मैंने उनसे ले लिया धागा। देखती हूँ पहन के अगर कोई फर्क पड़ जाए तो। और अभी जब पू सो चुका है, लंच वंच कर लिया उसने जल्दी, तो मैंने उसको सुला दिया। मैंने बोला थोड़ी देर सो जा, बड़े दिन से उसकी कोई रूटीन ही नहीं है। सुबह उठता है आराम से, अपना फोन देख लिया, टैब देख ली, बस यही काम करता रहता, और उसको कोई काम नहीं है ना। वो बहुत बड़ा बनता है ना, मम्मा की हेल्प कराता हूँ, कोई हेल्प वेल्प नहीं कराता मेरी, खुद मैं पूरा काम करती हूँ पूरा दिन, और आराम से मजे से पूरा दिन टैब में लगा रहेगा। मतलब उसको बोलो जप्पू रख दे टैब, भाई रख देगा दो मिनट के बाद इधर उधर हो, फिर देखो उसके हाथ में टैब होती है। इतना शैतान हो गया घर पे रह के ना। स्कूल खुले थे, शुक्र हुआ था स्कूल खुल गए, फिर समर वेकेशन हो गई 1.5 महीने की, परेशान हो गई मैं तो सच्ची में। जप्पू स्कूल गया बढ़िया होता, एटलीस्ट वैसे तंग नहीं करता जप्पू, बट पूरा दिन उसने टैब में टीवी में फोन में रहना, बस उसको और कोई काम नहीं है।
हेलो गाइस, ये देखो हमारा लड्डू उठ गया सोके। तो अभी मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के हो चुकी हूँ फ्री और मुझे लग गई है भूख क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। झूठ मत बोल भाई, इतना झूठा है भाई। सुबह बैंगन, मैंने आपको बताया था ना व्लॉग में, सुबह भी इसने सुबह बैंगन का भरता खाया, उसके साथ पराठा खाया, बाद में मिस्सी रोटी खाई और मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे लगी है भूख। मैंने भी नहीं कुछ खाया, मेरे को भी बहुत ही भूख लगी है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ बनाने के लिए, इसको कुछ नहीं दूंगी लेकिन मैं भी खाऊंगी। नहीं दूंगी। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं, भूख लगी है बहुत जोरों शोरों वाली। चलो चलते हैं गाइस किचन में। भूख लगी है, खाना दो। ये देखो मोटू बैठ गया नीचे जमीन पे। जमीन पे क्यों बैठा है? तो अभी जप्पू के लिए तो बन चुकी है दूध चाय, साथ में कहता पार्ले जी खाऊंगा। पार्ले जी, ये तो गाइस मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि इस टाइम अब रोटी खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइम बीच का टाइम है, रोटी खाऊंगी तो फिर ओवर सा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बेसन घोल लिया, सिर्फ एक ही चीला बनाना है मैंने। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बेसन में क्या क्या डाला। दिखाना है क्या सबको? ही आता बेसन का चीला बनाना, मैं कौन सा स्पेशल बनाने लगी हूँ। इसको देखो मोटे को खा ली अपनी दूध चाय और बिस्किट। और मैं आपको एक बात ही बताना भूल गई गाइस, इसको ना अभी इसके पापा ने फोन करके बोला कि जप्पू रात को बटर नान और बटर चिकन खाने चले, बड़े मजे से। कहता हाँ हाँ चलते हैं पापा। तो आगे से उन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे तू ही देगा। तो कहता ठीक है मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कितने पैसे लगेंगे? तो इसके पापा ने बोला 600। उसके बाद क्या जवाब दिया तूने पापा को? कहता आपका क्या काम है, हमसे क्या काम है, फट फोन काट दिया। देख लो गाइस कितना तेज हो गया, अपने पैसों का इतना पक्का है ना कि एक रुपया नहीं देता किसी को। कल भी दादू के पास गया था तो दादू ने इसको 50 रुपीज दिए, फट से अपने आगे इसने एटीएम में डाल लिए। हम इससे मांगते रह जाए हमको ना जो एक रुपया, खुद ही मांगने लग गया था दादू से पैसे, इतना गंदा हो गया ये। तो गाइस यहाँ पे मैंने बेसन के चीले के लिए बेसन जो है वो घोल लिया है, आप देख सकते हो, ना तो ज्यादा पतला है ना ही ज्यादा गाढ़ा है। इसमें मैंने थोड़े बारीक बारीक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक बारीक, कटा हुआ धनिया और सूखे मसाले डाले हैं। सिर्फ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, लाल चिली, रेड चिली पाउडर और बस दो तीन चीजें डाली हैं। फटाफट से बना लेते हैं बेसन का चीला, बड़ी तेज भूख लगी अब। तो अभी यहाँ पे मेरा बेसन का चीला बनके हो चुका है रेडी ही गाइस। पूरा गोल नहीं बना, प्लीज अवॉइड कर लेना, क्योंकि बस जैसे बना वैसे बना लिया मैंने। और साथ में मैं पी रही हूँ लिमका चाय, नहीं बनाई मैंने अपने लिए क्योंकि मुझे चाय से एसिड हो जाता है। और यहाँ पे मेरे बीज भी रखे हैं सूखने के लिए, इसको अभी 3-4 दिन अच्छे से धूप लग जाएगी, उसके बाद मैं इसको बॉक्स में डालूंगी, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे, नहीं तो इसके अंदर कीड़े भी डल जाते हैं। तो गाइज अभी मैं फ्री बैठी हुई थी, मेरे को कोई काम ही नहीं है क्योंकि आजकल ट्यूशन जो है वो मैं जल्दी ले लेती हूँ क्योंकि समर वेकेशन हो गया उसकी वजह से। तो मैं अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:30 ऑलमोस्ट, तो मैं अभी फ्री बैठी थी। तो मैंने अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं सबने। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतनी सारी गुड विशेज के लिए। जल्दी पापा मिलेंगे तो वो खुद ही आपको अपने आप थैंक यू बोलेंगे। तो पहले मैं उनके रिगार्डिंग बोल देती हूँ, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी विशेज देने के लिए। और हाँ कुछ कमेंट्स उसके अंदर ऐसे हैं कि पापा को प्लीज, हम हमें भी दिख रहा है कि पापा बहुत वीक हो गए, और हम पता नहीं कितनी बार उनको बोल चुके हैं कि आप घर पे आ जाओ हमारे साथ ही रहो, लेकिन उनको ये लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी मतलब उनके ना गले में बहुत ज्यादा पेन होती है तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वो फ्री बैठते हैं ना तो उनको और ज्यादा दर्द होती है। तो उनको ये है कि मैं काम करता रहूं, तो मैं काम करता रहूंगा तो मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा, इस चक्कर में वो काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमने उनको प्रेशर ने कभी भी नहीं किया कि आप काम करो या कुछ भी, अपनी मर्जी से वो काम करते हैं। और हम उनको कितनी बार बोल चुके हैं कि आप घर पे आ जाओ, वो आते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे काम करना है, मेरा थोड़ा सा दिमाग दूसरी साइड लगा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खुद ही जाके दूसरे तीसरे दिन मिल आते हैं, उनको जाके देख आते हैं। सही है वैसे वीक हो गए, क्योंकि यार अच्छा खासा बंदा हम लोग के जैसे अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाती है। एक दिन दो दिन हम लोग खाना ना खाएं तो उनको कितने दिन हो गए वो ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं। लिक्विड मतलब पी लेते हैं, जूस वगैरह पी लिया या बहुत ज्यादा कोई सॉफ्ट चीज। बॉडी में एनर्जी तो अन्न से ही मिलेगी ना, जब तक वो अनाज नहीं खा पाएंगे, रोटी नहीं खा पाएंगे, उनकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी। उस चक्कर में वो वीक हो रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं बट कोई असर नहीं हो रही है। बाकी हम भी जहां तक पॉसिबल हो सकता है हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं,
और उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। हर एक चीज़ को व्लॉग में नहीं दिखाते क्योंकि कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, हर एक चीज़ को व्लॉग में दिखाना ज़रूरी नहीं होता। बाकी जितना हो सकता हमसे हम ट्रीटमेंट उनका करवा रहे हैं। बाकी रही बात उनके घर रहने की, मुझे भी लगता है कि अगर वो काम में बिजी हैं तो थोड़ा सही है, उनका थोड़ा सा दिमाग साइड रहेगा। अदरवाइज बंदे को अगर कोई पेन होती है, कोई बीमारी हो जाती है, नहीं वो वही सोचता रहता है इंसान, तो इसलिए वो घर पे नहीं रह रहे। बाकी और कोई इश्यू नहीं है। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है 7:45 और मैं मजे से बैठी हुई हूँ सोफे पे और बीच खा रही हूँ आराम से। ना रोटी बनाई, ना सब्जी बनाई, ना कुछ बनाया। लेकिन मैं ना इस चीज में लकी हूँ, मतलब मैं डुगू को कुछ भी फोन करके बोल देती हूँ ना कि आप रोटी बाहर से ले आना, वो ले भी आते हैं बेचारे। उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया, बहुत रेयरली होता है केस में, किसी केस में वो मना कर दे, अदरवाइज वो ले ही आते हैं, है ना जप्पू। मैं बैठी हुई थी, मैंने सब्जी बनानी थी और डुगू ने जप्पू को फोन किया और फोन करके जप्पू को बोलते बता ही दिया जैसे कि, तो मेरा भी दिल हराम हो गया। आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है? तो मैंने भी फिर डुगू को बोल दिया कि मैं अब बना नहीं रही, आप बाजार से ले आओ। वो कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले आते हैं। तो रोटी यार ये बाहर से, कोई सब्जी रोटी कुछ नहीं बना, कोई रेसिपी शेयर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। अभी बाहर से खाना आ रहा है, वो हम खाएंगे फिर प्रभु के गुण गाएंगे। इतने दिनों के बाद बाहर का खाया, इतने दिनों के बाद है, इतने दिनों के बाद जूठे। अभी कल कल दादू के पास खा के आया, सीख रोल थे ना, वो तो स्नैक्स थे। अच्छा अच्छा, रोटी तो रोटी है ना, बाहर की स्नैक्स हो चाहे रोटी हो, बहुत बदतमीज हो गए ये सही में। तो चले ठीक है फ्रेंड्स, अभी मिलवाते हैं आपको डुगू से। तो गाइस अभी डुगू का फोन आ चुका है, वो कह रहे मैं डिनर लेके आ रहा हूँ और तुम बढ़िया सा जलजीरा बना के रखो मेरे लिए अरलीन। मैंने भी बोल दिया बूंदी ले आना डुगू, तभी पियेंगे जलजीरा। पापा को बूंदी मिली नहीं, जब भाभी आई थी पापा को बूंदी मिली नहीं। जप्पू को पसंद नहीं है ज्यादा जलजीरा, है ना जप्पू? जप्पू नहीं पीता ज्यादा जलजीरा। मैं ना जलजीरा मैंने कौन सा बनाना है, एवरेस्ट का बना हुआ पाउडर है, उसके अंदर चीनी मिक्स करो, घोल लो, पानी मिक्स करो, बन गया जलजीरा। न्यू तरकीब। तो चलो ठीक है गाइस, फटाफट से किचन में चलते हैं और बना लेते हैं जलजीरा। तो ये देखो गाइस, ये है एवरेस्ट का जलजीरा पाउडर। मैंने टप्पर के अंदर 10 चम्मच चीनी और 2 चम्मच जलजीरा पाउडर मिक्स कर दिया है। अब इस आरओ से मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी, गर्म पानी, मतलब नॉर्मल पानी बाहर वाला, ये बस इतना ही। इसमें हम पहले मैं ये चीनी को घोल लेती हूँ, फिर उसके अंदर हम ठंडा पानी मिक्स करेंगे। तो गाइस बेल बज चुकी है, तो आज आपको मिलवाए मम्मी के डुगू जी से। तो लोग लगे पापा ने पहले से बेल मार दी थी, 1 मिनट ओके 1 मिनट। तो आपका स्वागत है डुगू जी हमारे घर में। डुगू जी क्या होता है अन्नी दिया बरदान लिए, तो मम्मी की तरफ से मैं आपके लिए गाना गाता हूँ, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, मम्मी के डुगू आए, मम्मी के डुगू आए, रोटी साथ में लेके आए, रोटी साथ में लाए। तो पापा हर रोज आप चार्जर का भूल जाते हो बेटा, याद नहीं रहता बैटरी। कौन सी बीमारी हो गई है आपको? भूलने की बीमारी हो गई है आपको, क्यों भूल जाते हो अपना चार्जर? कल से तू याद करा दिया करो ना। अच्छा ये ले जिए पापा आपको पानी, पिए पिए पिए, ऐश करिए। आज इतनी लेट क्यों आए हैं? आज लेट क्यों आए? 8:30 से ऊपर हो गया। रोटी पैक करा रहा था ना। रोटी पैक करा रहे थे, किसे करवा रहे थे? नीचे जो नाई की दुकान है ना, जो बाल काटता है उससे पैक करवा रहा था। पानी पी रहे हैं, आराम से आ चुके हैं घर, अब मत जाएगा मैं दिल नहीं लगता। अरे पीटी बताओ क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ अच्छा बच्चा है, सारे कंप्लेन ही नहीं है कोई। पता लग गया मुझे। आए आए, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है? तो गाइस अभी डिनर आ चुका है हमारा और यहाँ पे देखो चिल्ड चिल्ड बर्फ डाल के जलजीरा रेडी है। बूंदी जो है वो टुकड़े ले आए हैं और यहाँ पे लाए हैं पनीर, सॉरी शाही पनीर की सब्जी, और ये है सैलेड, और ये है रोटी। आप देख सकते हो नीचे न्यूज़पेपर में रोटी है और ये ऊपर फॉयल पेपर में क्या है भाई? बटर नान चप्पू के लिए। हमेशा से बटर नान क्यों आता है? क्योंकि वो स्पेशल होता है थोड़ा इस दिन में। स्पेशल चलो देखिए, करोड़ों में एक बनाओ इसलिए। अच्छा ज्यादा देखो, करोड़ों में एक है लो, देख लो इसकी चढ़ू। तो चलो ठीक है गाइस, अभी हमारा डिनर लग चुका है, इससे पहले कि ठंडा हो जाए हम फटाफट से कर लेने लगे हैं डिनर। ये देखो गाइस डिनर करने लगा है, शाही पनीर इसका फेवरेट है, लेकिन खाएगा क्या सिर्फ ग्रेवी। ग्रेवी पनीर नहीं खाना इसने, थोड़ा थोड़ा लाए
लाइक करता हूँ, मैं पनीर ज्यादा लाइक नहीं करता। एटीट्यूड ज्यादा नहीं हो गया कुछ? ओ माय गॉड, अब मैं चेक करूँ सब क्या तो नहीं, और मैं ज्यादा नहीं तो चलो ठीक है गाइज, अभी हम डिनर करके हो चुके हैं फ्री और अब टाइम है व्लॉग को एंड करने का। तो हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बस ये देखिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tada, bye bye.